रमा रोज अपना पानीपुरी का ठेला गांव में लगाती थी। दिन भर धूप में पानीपुरी बेचने की कोशिश करती थी, लेकिन उसकी पानीपुरी कोई नहीं लेता था। बेचारी दुखी मन से घर में जाती और रोने लगती। रमा सोचती है, मैं इतनी ईमानदारी से इतनी अच्छी पानीपुरी बनाती हूँ, किसी को मेरी पानीपुरी पसंद क्यों नहीं आती? लेकिन वो कालूराम नदी के गंदे पानी से पानीपुरी बनाता है, फिर भी लोगों को बड़ा मजा आता है। अगले दिन रमा भी यही करती है, चुपके चुपके नदी के पास जाती है। वहाँ नदी के पास एक पीपल का पेड़ था, उसी के बाजू बैठ अपना मटका गंदे पानी से भरना शुरू कर देती है। वहीं पीपल के पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल भी बैठती थी, वो सब देख रही थी। अरे ये औरत क्या कर रही है, ऐसा गंदा पानी क्यों भर रही है? वहीं रमा अपना पानी भर के अपने ठेले के पास जाती है और पानीपुरी की तैयारी कर लेती है और गाँव की तरफ निकल पड़ती है। चुड़ैल के मन में उत्सुकता जग जाती है कि रमा इस पानी का क्या करेगी। चुड़ैल ये देखने के लिए रमा का पीछा करती है और गांव पहुंच जाती है और वहां चुपके चुपके रमा को देखने लगती है। रमा के पास पहला ग्राहक आता है, अरे एक पानीपुरी देना। रमा उसे कटोरा देती है और फिर पानीपुरी खिलाती है। वाह क्या पानीपुरी है, ऐसी पानीपुरी तो मैंने कभी नहीं खाई। रमा ये सुन मन ही मन खुश होने लगती है। एक से दो, दो से तीन, रमा के पास आज काफी लोग पानीपुरी खाने आए। उसकी पानीपुरी पूरी खत्म हो गई। आज रमा ने बहुत पैसे कमाए और खुशी खुशी घर के लिए निकल गई। अरे वाह ये तो बड़ा आसान था, गंदे पानी की पानीपुरी सबको बड़ी पसंद आ रही है, कल से अब मैं सबको यही खिलाऊंगी। ये सब देख चुड़ैल सोचने लगती है, ये पानीपुरी तो इंसान को बहुत पसंद है और ये गंदे पानी की पानीपुरी तो सबको पसंद आई। रमा की मदद से अब मैं इन इंसानों को पीपल के पेड़ में कैद करूंगी और मेरी शक्तियां को बढ़ाऊंगी। अगले दिन वापस रमा अपना ठेला लेके पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाती है। यहाँ वहाँ देखती है और मटके में पानी भरने लगती है। अपना मटका भर के ठेले पे आती है और पानी बनाने लगती है। वहीं पीछे से चुड़ैल एक मंत्र पढ़ती है और पानीपुरी में कुछ जादू कर देती है। रमा को ये पता नहीं होता, वो पानीपुरी तैयार करती है और गाँव की तरफ निकल पड़ती है। गाँव पहुँचते से एक आदमी वहाँ पूरी खाने पहुँच जाता है। रमा कल जैसी पानीपुरी आज भी खिलाओ। रमा उसे कटोरी देती है और पानीपुरी खिलाना शुरू करती है। वो पहली पूरी उठाती है और उसके कटोरे में रख देती है और दूसरी पूरी के लिए नीचे देखती है। वो आदमी पूरी खाते से गायब हो जाता है और गायब होके नीचे रखी हुई एक बोतल में कैद हो जाता है। रमा को समझ नहीं आता अचानक वो आदमी कहाँ चला गया। तभी दूसरा आदमी आता है, रमा उसे भी कटोरा देती है फिर पानीपुरी देती है। वो आदमी भी पूरी खाते से गायब हो जाता है और उसी बोतल में कैद हो जाता है। वैसे ही तीसरा, चौथा, पांचवा सब बोतल में कैद हो जाते हैं। रमा को समझ नहीं आ रहा था कि लोगों को आज उसकी पानीपुरी पसंद क्यों नहीं आ रही है। पहले पूरी खाते ही सब भाग जाते हैं। रमा निराश होकर घर की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में वो पीपल का पेड़ आता है, वो वहाँ रुक जाती है और बचा हुआ पानी नदी में फेंकने लगती है। वहीं पीछे से चुड़ैल आती है और रमा के ठेले के पास आ जाती है। वो बोतल निकालती है और उसे खोलती है और बोतल के सारे लोगों को उसमें से निकाल लेती है और फिर वापस पीपल के पेड़ के पीछे चले जाती है। रमा को ये कुछ भी पता नहीं चलता, वो पानी फेंकती है और वापस ठेले के पास आती है और ठेला लेके वहाँ से चले जाती है। रमा के जाते ही चुड़ैल को एक मंत्र पढ़ती है और वो सारे लोगों को पीपल के पत्तों में कैद कर देती है। ऐसा रोज होने लगा, रमा आती, चुड़ैल पानीपुरी पे जादू करती और रमा पानीपुरी बेचने गाँव चले जाती। लोग जादू से उसके बोतल में कैद हो जाते। वो निराश होकर वापस पीपल के पेड़ के पास आ जाती, जहाँ जादू से गायब हुए लोगों को चुड़ैल पीपल के पत्तों में कैद कर देती। लेकिन एक दिन रमा पानी भर रही थी, तभी उसका ध्यान पीपल के पेड़ पे गया। वो एकदम डर गई, उसने देखा कि पत्तों में लोग कैद है। उसे कुछ समझ नहीं आया, उसने ध्यान से देखने की कोशिश की तो देखा कि ये वही लोग है जो पानीपुरी खाने आते थे और सारे के सारे पत्तों में कैद है। वो समझ गई यहाँ कोई तो जादू है जो इन लोगों को मेरी पानीपुरी खाते ही इन पत्तों में कैद कर रहा है। जादू को समझने के लिए वो नाटक करने लगी, रोज की तरह पानी भरने लगी और धीरे से पीछे अपने ठेले की तरफ देखा। ठेले की तरफ देखते ही उसके होश उड़ गए, एक चुड़ैल उसके ठेले के पास जादू कर रही थी। वो घबरा गई लेकिन उसने हौसला रखा, उसने पानी भरा, ठेले के पास गई, पानीपुरी बनाई और वहां से चले गई। गांव के पास पहुंचते ही वो सोच में पड़ जाती है, मतलब ये चुड़ैल के जादू से ही लोग पानी पूरी खा के गायब हो रहे थे, अब ये लोग पीपल के पत्तों में कैद हो गए हैं, कैसे बचाओ इन्हें। तभी उसे साधु महाराज का ख्याल आता है।
और वो मदद के लिए साधु महाराज के पास पहुंच जाती है और उन्हें पूरी कहानी बताती है। तो साधु महाराज उससे कहते हैं, तो ये चुड़ैल वापस आ गई है, इसे मैंने पीपल के पत्तों में कैद कर दिया था, लगता है किसी ने उसे आज़ाद कर दिया। ये लो लाल जल, ये जल किसी तरह उस चुड़ैल को पिला देना, इसे पीते ही वो चुड़ैल वापस उस पत्तों में कैद हो जाएगी। लेकिन अब सवाल ये था कि चुड़ैल को जल पिलाए कैसे। रमा को एक आइडिया आता है। रमा उस पानी से पानी पूरी का पानी बनाती है और ठेला लेके पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाती है और चिल्लाने लगती है, ये जादुई पानी पूरी है, जो खाएगा उसे बहुत ताकत आ जाएगी, खाओ खाओ जादुई पानी पूरी खाओ। ये सुन चुड़ैल को पानी पूरी का लालच आ जाता है और तुरंत पेड़ के पीछे से निकलती है और रूप बदल कर रमा के सामने आ जाती है और चुड़ैल उससे पानी पूरी मांगती है। तो रमा उसे एक कटोरी देती है और एक पानी पूरी उसे दे देती है। चुड़ैल खुशी खुशी पानी पूरी खा लेती है। चुड़ैल के पानी पूरी खाते ही एक तेज रोशनी निकलती है और चुड़ैल पीपल के पत्तों में वापस कैद हो जाती है। चुड़ैल के कैद होते ही बाकी लोग उन पत्तों से आजाद हो जाते हैं। रमा ने सबकी जान बचा ली। सोमपुर गांव में कुछ दिनों से अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। आधी रात होते से कभी किसी की गाय गायब हो जाती, कभी किसी का सोना गायब हो जाता, कभी किसी का खेत जल जाता। गांव में बीमारी भी फैल रही थी जिसमें कुछ लोग बीमार भी पड़ गए थे। गांव के लोगों को समझ नहीं आ रहा था अचानक गांव में क्या हो गया है। मुझे लगता है गांव को नजर लग गई है, रोज कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही है, सब लोग डरे हुए होते हैं। तभी अचानक पास वाले कुएं के अंदर से एक तांत्रिक बाबा बाहर निकलते हैं। सब लोग तांत्रिक को कुएं से निकलता देख चकित रह जाते हैं और उनके पास जाते हैं। मैं इस धरती पर तुम्हारी समस्या का समाधान करने आया हूँ। सब लोग तांत्रिक को झुककर प्रणाम करते हैं और उन्हें लगता है कि तांत्रिक बाबा उनके गांव की तकलीफ दूर कर देंगे। मैं देख सकता हूँ इस गांव पे एक चुड़ैल का साया है जो तुम लोगों को बहुत परेशान कर रही है। अब चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अलग फलक तलक निरंजन। सब लोग ये सुन डर जाते हैं। बाबा बाबा, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो गई है, क्या करूं? तांत्रिक आंखें बंद करता है और कुछ मंत्र बोलता है। उसे रोज सुबह नाश्ते में हरी चटनी खिलाओ, वो ठीक हो जाएगा। जी बाबा। बाबा, मेरी गाय ने दूध देना बंद कर दिया है। बाबा, सोने से पहले इस कुएं में 100 रुपए डाल दिया करो, गाय दूध देना शुरू कर देगी। ये सब कहते से बाबा वापस कुएं के अंदर चले जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं पर कोई फायदा नहीं होता। लोग फिर से तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और कहते हैं, तांत्रिक बाबा, आपने जो उपाय बताए थे उससे कुछ फर्क नहीं हुआ। वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है, छोटे मोटे उपाय से नहीं चलेगा, तुम्हें बहुत सारा सोना इस कुएं में चढ़ाना होगा। गांव वाले मिलके बहुत सारा सोना जमा करते हैं और कुएं में चढ़ा देते हैं। तांत्रिक इस बहाने बहुत सारा सोना जमा कर लेता है। उसके बाद कुछ दिनों तक गांव में शांति रहती है। गांव वालों को लगता है तांत्रिक बाबा ने सब ठीक कर दिया है। पर एक दिन सोमू की बकरी गायब हो जाती है। सोमू बकरी को गांव में बहुत ढूंढता है पर वो नहीं मिलती। वो कुएं के पास से गुजरता रहता है, तभी कुएं के अंदर से उसे उसके बछड़े की आवाज आती है। वो कुएं के अंदर झांक के देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखता, तो वो कुएं के अंदर उतर जाता है। वो अंदर जाके देखता है कि कुआं एक गुफा है। तभी उसे उसकी बकरी दिखती है और पास में तांत्रिक बाबा खड़े रहते हैं किसी के साथ। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। इन गांव वालों को मूर्ख बनाना तो बड़ा ही सरल है, इन्हें क्या पता इस गांव की सारे मुसीबतें मेरे वजह से है। हाँ, गहने गाय चोरी हमने की, खेतों में आग हमने लगाई, नदी के पानी में जहर मिला के लोगों को बीमार हमने किया और नाम चुड़ैल पे डाल दिया। सोमू ये सुन के हक्का बक्का रह जाता है, मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सोमू तुरंत वहां से निकलता है और सीधा गांव पहुंच जाता है और गांव वालों को जाके सारी बात बताता है। गांव वाले बहुत क्रोधित हो जाते हैं और हाथों में मशाल लेके कुएं की तरफ बढ़ने लगते हैं। सोमू और कुछ लोग मशाल लेके कुएं के अंदर उतरते हैं और बाकी लोग वहीं बाहर रुक जाते हैं। उस वक्त तांत्रिक कुएं में ही रहता है। लोगों को देख तांत्रिक अपने जादू से उन सबको कैद कर लेता है और हंसने लगता है। मैं बकरी की बलि देने वाला हूँ, इसके बाद मेरी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा। मेरी चोटी की शक्ति और बढ़ जाएगी और मैं अमर हो जाऊंगा। ये बोलकर तांत्रिक वहां से बकरी को लेने चले जाता है। तांत्रिक कुएं से बाहर निकलता है, वहीं खड़े लोग उसे मारने लगते हैं लेकिन तांत्रिक पे कोई असर नहीं होता। तुम्हारी मार से मुझे कुछ नहीं होगा। अभी कुएं में से आवाज आती है, उस तांत्रिक की शक्ति उसकी चोटी में है, उसकी चोटी को काटो। गांव के एक इंसान के पास कैंची रहती है, वो तांत्रिक की चोटी पकड़ता है और काट देता है।
वैसे ही उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है और तांत्रिक भस्म हो जाता है। गाँव वाले तांत्रिक से मुक्त हो जाते हैं।